सभी बच्चों को नमस्कार और बेटा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं आप लोगों की एक तो स्कॉलरशिप की जो योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में उनके ऊपर कैसे आप लोग अपने ऑब्जेक्शन को दूर कर सकते हैं उसके ऊपर। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है और ऑब्जेक्शन आ रहा है खासतौर पर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के उनके ऊपर, तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपके डाउट्स इस वीडियो में मैं दूर करूँगा। जो स्कूटी की योजनाएं हैं, डिफरेंट स्कूटी की योजनाएं, उनके ऊपर भी वीडियो है ये। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें मैं मुश्किल से 3-4 मिनट में, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूं इसको, 3-4 मिनट में समअप कर दूंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, अपने साथियों के साथ साझा करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो है बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ते हुए, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो बच्चे खासतौर पर 20-21 वाले बच्चे हैं स्कूटी का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। बेटा मैंने एक बहुत ऑफिशियल तरीके से ये बताया था कि नवंबर के पहले हफ्ते में आप लोगों को स्कूटी का वितरण होगा। शायद जो डिफरेंट RTOs हैं वहाँ से आप लोगों के स्कूटी के दस्तावेज अभी तक नहीं आए हैं जो कि स्कूटी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरी चीज़ें आप लोगों की स्कूटी के नंबर और ये, इसके कारण से, इस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी तक आप लोगों की स्कूटी जो है आप लोगों को वितरित नहीं की जा सकी है। इसमें कॉलेज प्रशासन या सरकार की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन तय मान के चलें कि आपकी स्कूटी खरीदी जा चुकी हैं, कॉलेजों में आ चुकी हैं। जैसे ही आप लोगों के कागज कॉलेजों में पहुँचेंगे उसके बाद जो है वितरण कर दिया जाएगा। वितरण में संभवतः ये रहेगा कि शुरू में डिस्ट्रिक्ट की जो टॉप 40 जो लड़कियां हैं, जो ऊपर की 40 बच्चियां हैं, उनको स्कूटी कलेक्टर के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे राजस्थान में एक साथ जो है CM साहब वितरित करेंगे। और इसके बाद जो है बाकी स्कूटी जो है आपको स्थानीय स्तर पर आपकी जो नोडल महाविद्यालय वहाँ पर वितरित की जाएगी। और अब मैं इस बार आप लोगों के साथ किसी डेट का कमिटमेंट तो नहीं करूँगा क्योंकि पिछली बार ये पूरा नहीं हो पाया था कमिटमेंट, तो डेट का कमिटमेंट तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन आप लोग तय मान के चलें कि बहुत जल्दी इस वीक में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है और 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को अपनी स्कूटी जो है मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग आप लोग मैसेज नहीं करें बेटा, कॉल नहीं करें, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के साथ साझा कर देता हूँ। कॉल और मैसेज करने से जो है डिस्टर्बेंस होता है। बाकी स्टूडेंट जो समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप भर रहे हैं या CM स्कॉलरशिप भर रहे हैं और जिनके मार्कशीट का ऑब्जेक्शन आ रहा है, वो कुछ दिनों के लिए वेट कर लें, बहुत जल्दी उनकी मार्कशीट जो है आ जाएंगी, तो वो ऑब्जेक्शन का इशू जो है आप लोगों का सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक चीज़ और है, वो ये है कि जो 2021-22 के बच्चे हैं नवंबर के आखिर तक उन लोगों की स्थायी सूची के आने की संभावना है। अभी जो है ना देवनारायण की और ना ही कालीबाई मेधावी की जो है स्थायी सूची 21-22 की नहीं आई है, अभी अस्थायी सूची आई है। और जो नए बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं कालीबाई मेधावी का, उनको मैं बता दूं कि कालीबाई मेधावी के फॉर्म के साथ आप लोग कोई भी एक और स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, सिवाय वो जो योजना है वो स्कूटी की नहीं होनी चाहिए, प्रोत्साहन राशि की आप कोई भी योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो इंदिरा प्रियदर्शनी वाली योजना हो चाहे कोई दूसरी स्कॉलरशिप हो, तो आप लोग सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कालीबाई मेधावी का भी लाभ आपको मिलेगा, इसको लेकर के परेशान ना हो। कालीबाई मेधावी एकमात्र ऐसी योजना है जो ST SC OBC जनरल माइनॉरिटी EWS सभी वर्गों के लिए है, इसलिए सभी वर्गों की छात्राएं इसके लिए आवेदन करें जो भी एलिजिबल हैं, चाहे आप सरकारी स्कूल से पढ़े हो, चाहे निजी स्कूल से पढ़े हो, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हो, चाहे CBSE से पढ़े हो, इसके बाद चाहे आप BA कर रहे हो, BA BEd कर रहे हो, BSc BEd कर रहे हो, चाहे आप BTech कर रहे हो या MBBS कर रहे हो, 12th के बाद आप जो भी कोर्स कर रहे हो लेकिन उनकी 12वीं इसी साल होनी चाहिए 2022 में, तो यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। और बाकी समाज कल्याण विभाग के आवेदन आ ही रहे हैं। बायोमेट्रिक जो है आपको एक बार आके करानी है, इसलिए सारे बच्चे जिन्होंने समाज कल्याण विभाग का फॉर्म भरा है तुरंत कॉलेज में आए, और अभी कॉलेज में जो है कमरा नंबर 13 में प्रभात सर बैठे रहेंगे और वो आपके बायोमेट्रिक जो है का अटेंडेंस का काम पूरा करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक।